हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे, हम एक घर पे ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, और जो कि मार्केट की जो बहुत महंगे महंगे हम ऑर्गेनाइजर लाते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा ये इजी है और घर में बनाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। मार्केट के ऑर्गेनाइजर से बहुत सस्ता, हमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे पास बेकार घर में दुपट्टे साड़ी पड़े रहते हैं ना, उनसे हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो लीजिए, ये मैंने ले लिया पुराना दुपट्टा। तो आप पुराने दुपट्टे साड़ी या कोई कपड़ा पुराना पड़ा है तो ले सकते हैं। तो जो इस एक हैंगर हमको इसमें चाहिए होगा, इसको हम कर देंगे डबल। बिल्कुल इसको हमको इसमें लंबाई में हमको इसको डबल कर देना है, एकदम सीधा नीचे का छोर पकड़ के दोनों, और बीच वाले पकड़ के बिल्कुल डबल करना है। और जो इसका बीच वाला हिस्सा होगा ना दुपट्टे का, बिल्कुल एकदम जो बीच में इसका हिस्सा आएगा डबल करने के बाद, तो हमको इसको इस तरीके से हैंगर में डालना है और इसको बिल्कुल बीच में लेके आना है। दुपट्टे का ऊपर नीचे के दोनों हिस्से इसके बराबर होने चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर हिस्से इसके ऊपर नीचे के, जो नीचे के हिस्से हैं वो बराबर होने चाहिए। और बीच में सेंटर में हमने इसको हैंगर में डाल दिया है। जो ये नीचे वाला है, नीचे से बिल्कुल हमें इसे बराबर करना है। अब क्या करना है, हमको जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना बराबर किया हुआ है, वहाँ पे हमें इसे स्टिच कर देना है। मैं सुई से ही सिल रही हूँ, आप मशीन से भी सिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बहनों के पास मशीन नहीं होती है, इसीलिए मैं सुई से सिल के दिखा रही हूँ। और बिल्कुल पक्का सिलना है, इसे कच्चा काम ना करें। तो एक बार हम इसे कर लेंगे ना, तो ये बहुत टाइम तक हमारा चलने वाला है और बहुत सारा सामान इसमें आने वाला है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से या तो हम इसमें इंच टेप की हेल्प से हम इसमें निशान पूरे नीचे तक लगा लेंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसे हमें हटा देना है। दो पल्ले हैं ना, एक ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमें, मैं बिलात के हिसाब से निशान लगा रही हूँ, एक बिलात, एक एक बिलात करके, क्योंकि बहुत सी बहनों के पास इंच टेप भी नहीं होते हैं। तो एक एक बिलात में मैं पूरा निशान लगा लूंगी, इसमें पूरे गैप में, एक एक बिलात के गैप में निशान लगा लूंगी। पूरा हमें निशान लगाना है, और इसी निशान में हमको स्टिच भी करना है। इसे मैं सुई से करके दिखा रही हूँ, आपको पक्के से स्टिच करना है इसमें, मैं दोबारा बोल रही हूँ। और बहुत अच्छे से इसमें तभी हमारा सामान आएगा, ताकि हम सामान डालेंगे ना तो वो गिरेगा गुरेगा नहीं और फटेगा नहीं। दुपट्टे तो इतने पक्के होते हैं, साड़ियाँ इतनी पक्की होती हैं कि कभी भी ना फटें। और देखना, मैं इसमें पूरे एक एक बिलात करके निशान लगा रही हूँ, बहुत सारी पॉकेट और बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी पॉकेट इसमें बनने वाली है, और इतना सुंदर दिखता है ना, कोई हमें बता नहीं सकता कि ये क्या है, किस चीज़, क्या हमने इसमें सामान रखा हुआ है, ये किसी मतलब कैसे बना रखा है। एक बार आप ज़रूर बनाइए इसे, ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, तो आपको मतलब बहुत सारे पैसे आपके बचने वाले हैं। जो मार्केट के हम महंगे महंगे स्टैंड ये लेके आते हैं ना, जूते रखने वाले स्टैंड, ऑर्गेनाइजर स्टैंड, तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना वो मैंने इसमें सील दिया है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ से ये ख़त्म हो गया है कपड़ा, तो सबसे नीचे वाली पॉकेट बन के तैयार हो गई। और वैसे ही हम सारे जहाँ जहाँ हमने निशान लगा रखे हैं सारे में स्टिच कर देंगे। फिर हम इसको लेके चलते हैं जहाँ हमको इसके हैंग करना है, जो जिसलिए हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, तो वहाँ हम इसे फिर आपको लेके चलेंगे। मैं पूरा इसे आपको दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, नीचे इतना बचा हुआ कपड़ा बेकार है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है, और बाकी बीच बीच में सारी पॉकेट बन के रेडी हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से पॉकेट बनी है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। मैंने इसे अलमारी में हैंग कर दिया, ऊपर हैंगर लगा के, ऊपर कील लगी हुई है, कहीं पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। आप इसे कहीं कोने में, दरवाजे के पीछे, जहां आपको ना दिखाना हो वहां हैंग कर सकते हैं। अलमारी के अंदर मल्टीपर्पज सामान के लिए मैंने इसमें अपने दोनों पर्स डाल दिए, लेकिन दूसरा पर्स मैं अभी नीचे वाले में, बीच वाले में, सेकेंड वाले में डालूंगी, डाल दिया है मैंने। और हम इसमें अपने पर्स रख सकते हैं, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो रख सकते हैं, अपना प्राइवेट सामान कुछ रख सकते हैं हम इसमें, में बहुत सारा सामान आ सकता है। या हम इसको बच्चों के लिए स्टडी जो होता है ना, स्टडी रूम में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसे हैंग करके, तो बच्चों के पेंसिल वगैरह, जो इरेजर पेन वगैरह हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं ना घर पे, तो वो हम इसमें रख सकते हैं, इसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से, और ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ बना रखा है क्या है करके। मुझे जो जो भी सामान मिल रहा है ना, मैं तो वो दिखाने के लिए आपको अभी इसमें रख रही हूँ। आप इसमें अच्छे से यूज का कोई भी सामान रख सकते हैं अपना, और जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिसके घर में, तो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी हम इसमें अच्छे से हैंग करके रख सकते हैं। ये लेस का पैकेट है, जो लेस आती है, सॉरी लेस, तो वो लेस है, ये लेस मैंने इसमें ये भी रख दिया, लेस का भी वो पूरा पैकेट रख दिया है। तो पूरा ये हमारे अच्छे से कवर हो गया और इसमें अच्छे से सामान आ गया है पूरा। और देखना, अब इसको हम ऐसे कवर कर देंगे ना, ऐसे कोई बता ही नहीं सकता है कि हमने यहाँ सामान रखा हुआ है करके। और ये बहुत सेफ जगह है,
और बहुत ही अच्छे से हम इसे कहीं भी, मैंने तो अलमीरा में लगा रखा है इसके डोर में, लेकिन आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब मैंने ये दूसरी जगह पर लगा दिया है, मैंने इस कॉर्नर पर लगा दिया। आप हम मैं या यहाँ पे आपको ये सुरैक, एज ए सुरैक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, इसमें हम सूज कैसे रख सकते हैं। जैसे रेंटेड हाउस में हम रहते हैं, कोई अपने छोटे छोटे मकान होते हैं सब कईयों के घर में, तो नहीं हम ला पाते हैं और इतना बजट भी सबके पास नहीं होता है कि हम इतने महंगे महंगे रैक खरीद सकें। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये देखना बिल्कुल एकदम से इतनी जल्दी जल्दी इतना इस अच्छे से इसमें सामान आ जा रहा है, कितने इसमें कितने सारे इसमें शूज आ गए हैं। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे बना के रख सकते हैं और हम इनको अपना ये जो अपने दुपट्टे साड़ी वगैरह होते हैं इनको रीयूज कर सकते हैं इस तरीके से, वो हमको खाली फेंकने पड़ते हैं। तो इससे तो अच्छा हम क्यों ना इन्हें बना के तैयार करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? जो नीचे वाला है ना पार्ट, ये अभी खाली बचा हुआ है, तो अभी मैंने इसमें नहीं रखा हुआ है, बस इसको हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र, और आप भी इसे ज़रूर बनाइए। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र ये बन के तैयार हुआ है, इसमें इतना सारा सामान आ गया और इतनी गहरी गहरी जेबें बनी हुई है ना, इसमें हम दो दो भी जो जोड़ी सूज रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।